आपको बेसिक ग्रामर नहीं आई तो क्या हो सकता? एक बार दो दोस्त बात कर रहे थे, अचानक ठा गया आवाज भी, चुप कर गया दोस्त। क्या हुआ यार? कहता मेरी बीवी ने गली में गाड़ी मोड़ी है। बोला लेकिन यहाँ तो कोई गली नहीं है। बोला तभी तो ठा हुई है। तो आप फिर ठा हो जाने वाली है, क्योंकि आप कहना चाहेंगे कुछ, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। क्योंकि कोई भी एक सेंटेंस ले लो, पिकअप एनी सेंटेंस। मैं अभी सोच रहा था जब तक आप ये काम कर रहे थे कि ओके, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली गए, अगर आपने स्ट्रेस गलत लगा दिया, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली गए, यानी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए, सोनिया नहीं गई, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली गए, कल नहीं गए थे, कल नहीं जाएंगे, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली गए, है ना, झुमरी तलैया नहीं गए, परतवाड़ा नहीं गए, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली गए, थैंक गॉड। Right? So change the stress and the meaning changes. So you've got to know what you are conveying. क्योंकि मैंने क्या कहा, it is communication. आपको समझना है, राइटर ने जो डायलॉग लिखा है वो तो डायलॉग लिखा है, उसके मीनिंग हजार हो सकते हैं। वो तो टेक्स्ट है, वही कल काम हम शुरू करेंगे कि उसके पीछे का पहला काम आपका यही है कि टू अंडरस्टैंड द सब टेक्स्ट, जो हिडन मीनिंग है, एंड देन यू कम्युनिकेट सो दैट पीपल डोंट हैव टू गेस। दैट्स योर जॉब। लोग गेस करने के लिए थोड़ी बैठते हैं, बैठ के ऑडियंस में, दे नीड टू एक्सपीरियंस द रस। सो यू हैव टू एक्चुअली कम्युनिकेट। इसीलिए जब आप डायलॉग भी बोलेंगे, नॉर्मली लोग डायलॉग बोलते हैं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, स्पेशली थिएटर मैंने बहुत देखा है, दे स्पीक डायलॉग एट अदर एक्टर्स, नॉट टू, एंड पीपल बाय नेचर डोंट लिसन। सो टू मोनोलॉग्स डू नॉट मेक डायलॉग। तो पहले हम मोनोलॉग सीखेंगे, क्योंकि मोनोलॉग इज अ ट्रेनिंग प्रोसीजर। मोनोलॉग फिल्मों में नहीं होते, थिएटर में नहीं होते, थिएटर में फिर भी कभी कभी होंगे, स्पेशली शेक्सपियर प्लेस में, लेकिन सिनेमा में नहीं होते। खुश तो बहुत होंगे अगर आपका ये डायलॉग डायलॉग में ही है, द गॉड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इस डायलॉग। लेकिन ये यहाँ सीखेंगे हम फॉर डायलॉग डिलीवरी स्पीच, देन वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट टू मोनोलॉग सो दैट इट बिकम्स ए डायलॉग, राइट? ओके, तो लिखिए, अगर नरेश ने ये कहीं लिखा, मैंने उसमें लिख लीजिए, रोमन में लिख लीजिए, मैंने नरेश तुम्हारी हिंदी अच्छी, मैंने ये, मैं बोल ही देता हूं, जानते हो आसान है ना, मैंने ये कब, आई रिपीट, मैंने ये कब कहा था, मैंने ये कब कहा था, मैंने ये कब कहा था कि या के, जैसे भी बोलते हैं कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है। नेक्स्ट टाइम हम पहले सातवां लिख के, तो मैंने के नीचे एक बार घर जाके अंडरलाइन करेंगे, आई रिपीट द लाइन, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैं ये के नीचे, कब के नीचे, कहा के नीचे, वो चोर है, था की के नीचे, अंडरलाइन मत कीजिए, देयर आर मोर वर्ड्स एक्चुअली नाइन, लेकिन हमें सात बार बोलना है। मैं अगर बोलूं मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, इसके कोई मायने हैं? कुछ नहीं। मैंने कब कहा था कि वो चोर है, इसके कोई मायने हैं? कोई मायने नहीं। लेकिन द मोमेंट आप ये कहें मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मायने निकल गए, कुछ और कहा था। मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मायने निकल गए कि भंगी नहीं, भाई नहीं, पूरी नहीं, है ना, चोर नहीं, कुछ और कहा था। तो ये घर से प्रैक्टिस करके आएंगे आप, और इतनी प्रैक्टिस करके आएंगे कि बिना रेफर किए हुए इन वन ब्रेथ, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने कब कहा था कि वो चोर है। अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं डिफरेंट स्टेप्स दे रहा हूँ कि मैंने ये कब कहा था वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था वो चोर है, मैंने 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 कब कहा था वो चोर है। ओके, जो अच्छा करेगा दैट्स एन अप्रिसिएशन कार्ड, राइट? चलो विल वाइंड अप। लेकिन उससे पहले आपकी नजर एक चिट्ठी, गरीब औरत है, ग्रामीण बेचारी ऐसी चिट्ठी लिखती है, आई एम श्योर यू नो दैट,
हम बाद में कुछ करेंगे, हम पॉजेस चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि इस चिट्ठी के मायने क्या निकलते हैं। सिर्फ एंड की लाइन मैं चेंज करूंगा मजबूरी में, राइट। तो चले, हे पतिदेव मिलन प्रणाम आपके चरणों। क्या चक्कर है, अभी तक एक खत नहीं लिखा। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है, गाय को बछड़ा हुआ, दादाजी ने शराब पीनी शुरू कर दी है, मैंने इतने खत लिखे तुम आने का नाम भी नहीं लेते। कुत्ते के बच्चे को भेड़िया खा गया है, हमारी 2 महीने की राशन की छीनी, घर आओ तो लेते आना। एक सुंदर सी औरत मेरी सहेली बन गई है, हेमा मालिनी इस वक्त टीवी पर गाना गा रही है। तुम्हारी बकरी बेच दी गई है, तुम्हारी पड़ोसन तंग करती है, तुम्हारी बहन सरदर्द के मारे परेशान है, बेचारी कुतिया पागल हो गई है, 1 बीघा जमीन में गेहूं बो दिए हैं, ताऊ जी के सर में फोड़ा हो गया है, मेरे पाँव में चोट लग गई है, तुम्हारी चिट्ठी को तरस रही हूँ, तुम्हारे चरणों की दास। यही होता है ना, अभी हम पॉज चेंज करते हैं। हे पति देव मिलन प्रणाम, आपके चरणों में क्या चक्कर है, अभी तक एक खत नहीं लिखा मेरी सहेली को, नौकरी मिल गई है गाय को, बछड़ा हुआ है दादाजी को, शराब पीनी शुरू कर दी है मैंने, इतने खत लिखे तुम आने का नाम नहीं लेते। कुत्ते के बच्चे, भेड़िया खा गया हमारी 2 महीने की राशन की चीनी, घर आओ तो लेते आना एक सुंदर सी औरत, मेरी सहेली बन गई है हेमा मालिनी, इस वक्त टीवी पर गाना गा रही है, तुम्हारी बकरी बेच दी गई है, तुम्हारी पड़ोसन पागल हो गई है, 1 बीघा जमीन गेहूं बो दिए दादाजी के सिर में, फोड़ा हो गया मेरे पांव में, चोट लग गई है, तुम्हारी चिट्ठी को तरस रही हूं, तुम्हारे चरणों की प्यासी। मैंने एक लव शेर नहीं किया, सिर्फ हमारे नरेश जी का है, मोटे लोगों के लिए खाओ मत रुको, दुबले लोगों के लिए खाओ मत रुको। वेरी रिसेंट अमिताभ बच्चन के एक इंटरव्यू में था कि अब आपके डायलॉग में वो पंच क्यों नहीं होता, ही सेड गिव मी सलीम जावेद, ही गिव मी सलीम जावेद, कहां है वो राइटर्स। और हमेशा ये होता है कि मैंने कल रिव्यू पढ़ा, अब शॉक सत्याग्रह का रिव्यू था कि डायलॉग में पंच नहीं है, सत्याग्रह जैसी फिल्म में। सी हमारे राइटर्स कभी साउंड की बात करते हैं, कोई नहीं करता। कभी सुना कि साउंड, वहां 2 अवार्ड्स होते हैं, साउंड इंजीनियरिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग, ऐसे मतलब बहुत सारे अवार्ड्स मैं बता सकता हूँ। हमारे यहाँ एक और जो डायलॉग राइटर का अवार्ड है, इन द मेन कैटेगरी, टेक्निकल अवार्ड्स में नहीं है वो सर, बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो टेक्निकल अवार्ड्स में, लेकिन जो मेन कैटेगरी है जहां पर हीरो हीरो डायरेक्टर फिल्म, वहां डायलॉग राइटर को अवार्ड देते हैं। तो सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट है इस देश में, पीपल आर नोन फॉर दैट, कादर खान और मेनी मेनी के सिंह थे, चिरंता वगैरह फिल्म बनाई, पर बाद में वो आदमी गड़ू रुपी के पड़ा रहता था, तो बाद में वो मेहुल कुमार की फिल्मों ने पानी नहीं मांगा, बल्कि उसने बेटी को एक फिल्म बेटी को लेकर बनाई थी, और शुड बी वेरी ड्रामेटिक, सपोज टू बी वेरी ड्रामेटिक फिल्म, 12 बजे रिलीज हुई, 12:15 बजे ड्रॉप हो गई, डायलॉग में पंच नहीं, देना कहीं छुपके फिर रहे हैं, कितना नुकसान हो गया फिल्म में, देखिए कितना ज्यादा जोर है। दिस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनदर थिंग वी कैन डू इज मे बी वी कैन जस्ट स्टार्ट फॉर नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। अभी टाइम्स इंडिया उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, तो थोड़ा देख लेते हैं 10 मिनट अगर है वो, है ना, डॉक्यूमेंट्री बनाई है ऑन डायलॉग, तो आई थिंक वो आपके बिल्कुल याद चक्षु खुल जाएगी कि गेस्ट यार, ताकि आप इस काम को बहुत सीरियसली लें। आई नो इट्स गोइंग टू बी अ ड्रिल, लेकिन ना चॉइस इज योर्स। मेरे गुरु ऋषि भाई पांडे, देखें ना उनके 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 DVDs हैं, और वो टाइप टू पेयर टू ब्लू, क्योंकि मैं आप क्या कह रहा हूँ कि बॉल इज इन योर ओनली होप हो, कि मैंने अपनी कमजोरी बता दी, अब आपकी प्रॉब्लम है, वो
कुर्ते पजामे में फर्स्ट स्टार होटल में ट्रेनिंग देते थे, जहाँ एक डेकोरम है फर्स्ट क्लास एंड देन एड्रेस। तो मैंने पूछा क्यों खुशी भाई, तो कहने लगे यार मैं थ्री पीस सूट पहन के लबाक पहाड़ के गाँव आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। वो पता लगे मेरा एक बचपन का यार ही कहीं वहाँ बैठा हुआ जिससे आप गिड़ी पीता था, और उसी यू फील कॉन्फिडेंट। तो मैं पहले ही कह देता हूँ मैं कुर्ते पजामे में ट्रेनिंग दूंगा, जिसको नहीं करनी वो अपना पैसा ले और जाए ना, ये उनकी प्रॉब्लम है। मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आपके काम की बात है, स्पेशली इफ यू आई लव यू मैरिड यू नॉट मैरिड। हम जब भी जो इतना वक्त बिताते हैं अपने लवर बिलवर के साथ, आप क्या करते हो, सिर्फ यू प्रेजेंट योर बेस्ट, अपनी कमजोरियां छुपा लेते कारपेट के नीचे, नेवर डू दैट, बी वेरी ट्रांसपेरेंट। वो गेट्स में अगर आप देखो तो आप देखेंगे कि उतना करेंगे, क्योंकि मुश्किल क्या होगी, क्योंकि जो एक घंटा मिलते हैं यू आर एट योर बेस्ट ऑफ बिहेवियर बेस्ट ऑफ अपीयरेंस लुक वगैरह वगैरह, 100% केसेस में देखा जब आप ऐसा करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ मैंने अपनी कमजोरी बता दी, शादी हुई बारात दरवाजे से आई इश्क खिड़की से बाहर, क्योंकि ज्यादातर जो इश्क होते हैं वो एक फेयर की वजह से होते हैं, आई मे नॉट लूज हिम आई मे नॉट लूज हर, सेंस ऑफ पोजिशन आते डर गया इश्क गया, नाउ यू टेक ईच अदर फॉर ग्रांट, अब क्या तो शादी हो गई अब क्या। नाउ ये सिनेरियो बहुत होता है, डुप्ले फ्लैट है, बंदा रश कर रहा है, अच्छी तरह से स्वागत हो गई, वो अपना कप्तान पहन के नीचे उतर गई, कौन है यार, मेरी बीवी है यार, बाल खुले हुए हैं, बेसिक टचअप भी नहीं है, हैं इतनी वो चुड़ैल लग रही है जिसके हाथ में लालटेन ही नहीं है, बस यार आई डोंट नो दिस वुमन। वो सोच रही है कि यार ये शेव नहीं किया हुआ यार, ये शैली सा लगने वाला आदमी यूं करके ब्रश कर रहा है, इतनी झाग सारी, वो ये मेरा हस्बैंड है एंड आई एम गोइंग टू किस दिस मैन एवरी डे, दिस व्हाट हैपेंस। सो मैं कह रही क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपनी कमजोरी आपको बता दू कि भैया बहुत मेहनत है, आप करो नहीं नहीं करोगे तो यू राइट बॉल इज इन योर कोर्ट, सो हाउ मेनी पीपल आर रियली विलिंग जस्ट गिव मी दैट प्रॉमिस, क्योंकि दिस इज अल्टीमेटली यू नो मैं घोड़े को पानी तक ले जा सकता हूँ फिर आ नहीं सकता है ना, टीचिंग एंड ट्रेनिंग दिस ट्रेनिंग पार्ट इज इंटरेस्टिंग, वेरी आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ सी एक्टिंग इज ए रिलेशन विद अनदर एक्टर, जैसे आपको दूसरे एक्टर की अगर अच्छा एक्टर नहीं होगा, ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ मैं खुले आम है आई एम रिकॉर्डिंग इट, कि अगर दिलीप कुमार के सामने बुरा भी एक्टर होता तो अच्छी एक्टिंग करने लगता था, अमिताभ के सामने मेनी टाइम्स हैव सीन, और देयर वर सम एक्टर्स विश्वजीत जैसे जिनके सामने अच्छा एक्टर भी बुरी एक्टिंग करने लगता, दे वर हॉरिबल एक्टर्स, सो इट्स गिव एंड टेक। इसी तरह से ट्रेनिंग मैं भी वैक्यूम में नहीं कर सकता, आई नीड यू, पात्र की जरूरत है राइट, अगर आप नहीं करेंगे मुझे तो पता ही है, लेकिन एंड अगेन आई एम सेइंग इन ऑल ऑफ माय ह्यूमिलिटी कि आप समंदर के पास जाएंगे और एक चम्मच लेकर तो उतना ही मिलेगा, बाल्टी लेकर जाएंगे उसको सुराख होगा तो क्या होगा। मैं फिर भी अपना काम चला लूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो जो मतलब जो एक जो कहते हैं ना कि द स्टोरी विच चेंज माई लाइफ, तो मुझे वो एक स्टारफिश चाहिए, समंदर के किनारे बहुत सारी स्टारफिश मिलियंस आते हैं, एक बंदे ने एक उठाई फेंक दी क्योंकि लो टाइड थी मर रही थी वो, दूसरे पास वाले इतने मिलियंस ऑफ हैं एक से क्या होगा, उसने एक और उठाई फेंक दी, उसने ये कहा था व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, ही सेड इट मेड डिफरेंस टू हर, सो स्टिल आई फाइंड माई कैंडिडेट आई प्रॉमिस यू अमंगस्ट यू, लेकिन अगर सारे ही हैं तो मुझे लगेगा कि जो आपने दक्षिणा दी है आम बहुत है, सो आई नीड दैट ट्रस्ट, सो डू इट आई प्रॉमिस यू, इस तरह से कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, अब हम सीन करेंगे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं बताएंगे कि कौन सी फैकल्टीज पार्टिसिपेट करती हैं जब आप, क्योंकि अभी आप तो कार ड्राइविंग सीख रहे हैं ना, आई ऑल्सो ट्रेन यू इन कार मैकेनिज्म, ताकि गाड़ी कभी खराब हो जाए तो हम मैकेनिक का वेट नहीं कर रहे, एंड फॉर गर्ल्स नोबडी इज गोइंग टू टेक यू फॉर अ राइड बिकॉज यू आर सो सर्टिफाइड, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप जागते रहो। सोते आदमी को आप जगा सकते हैं, जो सोने में नाटक कर रहा है उसको जगा सकते हैं नहीं, आप करोड़ बदल के सो जाएंगे, सो प्लीज वेक अप, व्हाट आई एम डूइंग इज नथिंग, आई एम अवेकनिंग द जायंट इन यू,
दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो. जिंदगी में नहीं बोलते क्या आप? जिंदगी में जब कम्युनिकेट करते हैं तो आप पता है ना कि आपके इमोशन क्या, आप क्या कह रहे हैं, आप उस वक्त एनालाइज थोड़ी करते हैं, लेकिन आपको किसी ने बताया ही नहीं. ऑल यू नीड टू नो इज कि ये ग्रेविटेशन है भैया, फल नीचे आएगा.